कदम बढ़ाते चलो युवाओं के नेतृत्व में एक पहल है जिसमें लड़का लड़की एक साथ मिलकर जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुद्दों पे बात करते हैं, सक्षम बनते हैं। कदम बढ़ाते चलो एक बहुत ही यूनिक टूल है, बहुत ही एक यूनिक तरीका है जिसमें स्पोर्ट्स को यूज़ किया जाता है। स्पोर्ट्स के विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जेंडर बेस्ड वायलेंस के विभिन्न मुद्दों पे बात की जाती है। इसलिए जेंडर थ्रू स्पोर्ट्स एक यूनिक टूल है जिसकी वजह से लड़का लड़की एक साथ आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और जेंडर बेस्ड वायलेंस के जितने मुद्दे हैं उन सब पे बात करते हैं। जेंडर थ्रू स्पोर्ट्स वर्कशॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है और इस वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हर युवा प्रतिभागी सामाजिक लिंग और जेंडर स्टीरियोटाइप इन दोनों ही विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, वो अपनी समझ बढ़ाता है और इसको कैसे चैलेंज किया जा सकता है इसके बारे में भी वो सीखता है। और इन सभी वर्कशॉप्स में खिलाए गए सारे गेम्स के अंदर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन और टीम वर्क के बारे में भी सीखता है। यहाँ 3 दिन की वर्कशॉप में जो मैं आया है और जो सीखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और 3 दिन जो एक साथ हम लोग अलग अलग जगह के गांव के रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने लोगों से मिले, इतने लड़के और लड़कियों से मिले हैं, एक दूसरे से पहचान हुई, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और यहाँ जो वर्कशॉप में सिखाया गया है मेरे को ये महिला हिंसा के बारे में, जो खेल के माध्यम से महिला हिंसा के बारे में सिखाया गया है वो मेरे दिमाग में बात चढ़ी और मुझे मेरी ज़िंदगी में लाइफ में मैं हमेशा उसके लिए करता रहूँगा। जेंडर थ्रू स्पोर्ट्स वर्कशॉप युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहाँ पे युवा सवाल कर सकता है जेंडर स्टीरियोटाइप को लेकर के अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने समाज में और अपने गांव में। इसी के साथ साथ वो युवाओं को इतना नॉलेज प्रदान करता है जहाँ पे एक युवा अपने दैनिक जीवन में होने वाले इंसिडेंट्स को जेंडर लेंस के माध्यम से देख सके। पहले मैं मतलब किसी के सामने कुछ बोलने में झिझक लगती थी, अब मुझे कोई झिझक नहीं लगती है और मैं सबके सामने मतलब कुछ भी खुल के बोल सकती हूँ और मुझे अच्छा लगा कि कुछ तो बदलाव आया। 1213 युवा प्रतिभागियों के साथ KBC 2017 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसमें से 288 युवाओं के अंदर हमें लीडरशिप पोटेंशियल दिखा और 6 जेंडर थ्रू स्पोर्ट्स वर्कशॉप के माध्यम से हमने उन्हें जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर सेंसिटाइज किया।